हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल क्विक शॉट बाय आंचल। तो आज हम व्रत के लिए बना रहे हैं साबूदाने के वड़े, और आज मैं आपको बताऊंगी बिना साबूदाना फुलाए साबूदाना के वड़े कैसे बनाने हैं। एक बाउल साबूदाना लेना है और 5 उबले हुए आलू, आप अपने कैंडिडेट्स के हिसाब से लीजिएगा। एक बाउल में मूँगफली पीसी हुई। साबूदाने को हल्का पानी डालकर पीस कर उसको अच्छे से मिला लेंगे। आप देख लीजिए, ज़्यादा पानी नहीं डालना है और थोड़ा थिक रखना है कि उसके बड़े बने अच्छे से। फिर उबले हुए आलू को कीस कर उसमें मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद पीसी हुई मूंगफली उसमें मिला देंगे। अच्छे से मैश करने के बाद उसमें कटी हुई हरी मिर्च और कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। और स्वाद अनुसार व्रत वाले नमक डालेंगे। इसे अच्छे से मिलाकर रख देंगे। अब इसके छोटे छोटे गोल गोल बड़े बना लेंगे। व्रत में फटाफट बनाने के लिए ये डिश अच्छी रहेगी। ये क्वांटिटी 2 से 3 लोग के लिए है। ये तैयार हो गया है। तो चटनी बनाने के लिए 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च और स्वाद अनुसार व्रत वाला नमक। अब हम इसको एक पॉट पे डालेंगे पीसने के लिए। अब इसे पीस लेंगे और एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, और तेल गरम होने के बाद उसे मीडियम फ्लेम में बड़े तलिएगा। अब एक एक करके बड़े डालेंगे। हल्का रेड होने के बाद एक एक करके पलट लेंगे। देखिए, अब ये दोनों तरफ अच्छे से रेड हो गया है। तो अब एक एक करके इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए वड़े कितने टेस्टी लग रहे हैं ना, और ये चटनी भी पिस गई है। तो चलिए आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो आप लोग भी जरूर बनाइएगा साबूदाने के वड़े, और टेस्ट करके हमें कमेंट ज़रूर करिएगा।